भारतीय सीमा में चीनी सेनाओं की घुसपैठ को लेकर भारत सरकार देश को लगातार गुमराह करने में लगी है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने लगाते हुए कहा कि भारतीय सेना के 20 जवानों की गलवान में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहादत के बाद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अब सांसद ने गृह राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य विरोधाभासी है। हमीरपुर में प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि घटना के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा में कोई नहीं घुसा, रक्षा मंत्री ने अतिक्रमण की बात कही, लेकिन अब गृह राज्य मंत्री ने घुसपैठ से इनकार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से देश की जनता ये जानना चाहती है कि भारत के जिन 20 जवानों ने देश के लिए शहादत दी, उस झड़प की वजह क्या थी। कौशल ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बयान अलग अलग क्यों हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस मसले पर केंद्र सरकार लगातार झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह कर रही है तथा अलग अलग बयानों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की स्थिति को आघात पहुंचा है। प्रेम कौशल ने कहा कि देश की सेना और सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए हर तरह का बलिदान दे रहे हैं और देशवासी उनके ऋणी हैं, परंतु जनता गलवान घटनाक्रम और चीन के साथ भारतीय सेना की झड़प का सच जानना चाहती है। भारतीय सीमा में चीन के सैनिकों द्वारा घुसपैठ को लेकर लगातार भारत सरकार जो है वो देश की जनता के समक्ष झूठ बोल रही है। गलवान घटनाक्रम जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान चीन की सेना के साथ एक झड़प में शहीद हुए, उस घटनाक्रम के उपरांत देश के प्रधानमंत्री ने चीन की सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ से इनकार किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा अतिक्रमण हुआ है और कल देश के गृह राज्य मंत्री ने संसद के अंदर बयान दिया कि पिछले 6 महीने से चीन की सेना ने भारतीय धरती के ऊपर घुसपैठ नहीं की। अब देश की जनता जानना यह चाहती है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, और यदि देश की धरती के ऊपर चीन की सेना द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया, LAC का उल्लंघन नहीं किया गया, तो जो 20 सैनिक भारतीय सेना के शहीद हुए उनकी शहादत की वजह क्या है। 20 सैनिकों का शहीद होना देश के लिए बहुत दुखद घटनाक्रम था और बहुत सी माताओं के बेटे चले गए, बहनों के भाई चले गए, सुहागिनों का सुहाग चला गया। जब आप इस तरह के बयान देते हैं कि चीन की सेना ने भारतीय सीमा के अंदर अतिक्रमण नहीं किया, घुसपैठ नहीं की, तो वो जो बेचारे हमारे सैनिक शहीद हुए उनकी शहादत की वजह क्या है, ये देश जानना चाहता है। भारत सरकार लगातार चीन के मसले को लेकर देश को गुमराह कर रही है और देश की जनता के समक्ष सच्चाई जो है उसको लाने में गुरेज कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश के जो सैनिक हैं उन्होंने जो बलिदान देश के लिए दिया, हमारे जो सुरक्षा बल है वो जो संघर्ष देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, उसका सम्मान करती है और उनकी सेवाओं को सलाम करती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से और देश की सरकार से ये अपेक्षा करती है, उम्मीद करती है कि तमाम जो घटनाक्रम है उसका जो सच है, भारतीय सीमा के साथ जो बार बार चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष हो रहा है उसको लेकर जो तथ्य हैं उनको देश की जनता जानना चाहती है।